नमस्ते प्रणाम। क्या है खेसारी लाल यादव का गाना सिर्फ खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ही आएगा? तो जहां तक हमें पता है कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ही आएगा, बाकी किसी और चैनल से नहीं आ सकता है। आज सुबह सुबह ही एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है महादेव अंगना, छठ का गाना है। खेसारी भैया, गाना का व्यू के बात कर ले आज का, तो अभी जब वीडियो बना रहे हैं अभी के अपडेट आप लोगों को बता देते हैं, 1,80,000 व्यू है प्लस, और लाइक के बात करें तो 46,000 प्लस लाइक है, और कमेंट के बात करें तो 5,000 प्लस कमेंट है। अब लोग भाई एक ही चैनल पर जब गाना आता है बड़े सुपरस्टार का, तो लोग देख देख के बोर हो जाते हैं। अब एक नॉर्मली आप लोगों को बता देते हैं, हम जैसे वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग का व्यू जाता है 1,000, 2,000, 5,000, 500 ऐसे व्यू जाता है। तो भाई हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग सबर कर लेते हैं, लेकिन वो बड़े स्टार हैं, अगर उनका स्टारडम धीरे धीरे जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा, एक बार पता नहीं चलता है बड़े स्टार का कि कब स्टारडम गया, समय एक दो साल लग जाता है, उसके बाद पता चलता है। तो लोग जो उनको बर्बाद करने के लिए सपना देखा था, वो लोग अपना कामयाब हो गया है खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने में। अब खेसारी भी गाना हर एक चैनल से आता था उस समय का स्टारडम और आज के स्टारडम में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, जितने भी खेसारी भैया के फैंस हैं सब लोग चाहते हैं कि एग्रीमेंट खत्म हो जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ है। तो खेसारी भैया को भाई क्या करना चाहिए अभी, कि उनके टीम जो है बात करना चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट जाके एक्शन लेना चाहिए, इसको मतलब गौर से सोचना चाहिए, या फिर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ ही गाना लाएं, या फिर उससे कंप्रोमाइज कर लें, या सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये हम लोग मतलब सोच है और हम लोग बता रहे हैं, और आप लोग भी जहां भी हैं जैसे भी हैं सोशल मीडिया पर बताइए कि क्या करना चाहिए, और आप लोग का जो राय होगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई एक चैनल से भाई फैंस देख देख के बोर हो जा रहे हैं, और खेसारी भैया के जितना व्यू जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है। कितना भाई देखिए क्या होता है कि अलग अलग चैनल से आता है तो हाईलाइट लोग रहता है, सभी लोग को पता रहता है कि नहीं अब इस चैनल से आ रहा है, इसमें कॉम्पिटिशन होते रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है खेसारी भैया के साथ, बाकी हम लोग खेसारी भैया के साथ है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे भले खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर ही गाना आएगा, सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन मेरा राय यही था कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या फिर कंप्रोमाइज करना चाहिए था, क्योंकि बड़े स्टार हैं, उनकी टीम भी बड़ा है, कुछ भी लोग कर सकते हैं। लेकिन खेसारी भैया चुप क्यों हैं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए, इस पर उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए और बात करना चाहिए एग्रीमेंट पे, ठीक है? तो बाकी यही आप लोगों से राय है, बाकी आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, और भाई को वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।